गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लर्निंग विद अ डिफरेंस। हम सबकी लाइफ में बहुत बार ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, ऐसी मुश्किल घड़ियां आती हैं, इस तरह की विषम परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम उसको मैनेज करके नहीं चल पाते, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करके चलना। लेकिन हाँ, यदि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी जो लीडरशिप स्किल्स है वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तो काफी हद तक आपके लिए आसान हो जाता है। आप कैसे भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए तो आप उसको थोड़ा इजीली मैनेज कर पाते हैं। जी हाँ, मैं आज इस वीडियो में बात कर रही हूं कैसे आप अपने बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करें, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स को बिल्डअप करें, जो बेहद जरूरी है उसके लिए, उसके आने वाले टाइम के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। अगर वो स्कूल में स्टडी कर रहा है तब भी उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम में उसके करियर में भी उसके लिए इस तरह की क्वालिटीज काफी यूजफुल रहेंगी। आपने अक्सर देखा होगा आपके बच्चे आपको घर पे आके बताते होंगे, स्कूल में, क्लास में काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइमली अपना प्रोजेक्ट वर्क, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके टीचर्स को सबमिट कर देते हैं। उनके टेस्ट में, एग्जाम्स में भी मार्क्स काफी अच्छे आते हैं। इसके अलावा, ऐसा तो होता ही है, इसके अलावा स्कूल में यदि कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, डिबेट है, स्पोर्ट्स है, कोई भी एक्स वाई जेड एक्टिविटी अगर स्कूल में होती है तो वो उसमें भी परफॉर्म करते हैं, और वो बाकी बच्चों से हट के उनका रिजल्ट होता है, यानी कि वो भीड़ से कुछ अलग दिखाई देते हैं। तो कैसे हम पहचाने, कैसे हम अपने बच्चे के अंदर इस तरह की क्वालिटी, और इस तरह के बच्चों का ना कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता चला जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाता है और बेटर से बेटर वो परफॉर्म करते हैं। हम एज अ पेरेंट, अभी बच्चे घर पे हैं, देखिए टीचर्स तो अपना रोल इसमें प्ले करते ही हैं, बट हम भी एज अ पेरेंट बहुत ज्यादा जरूरी है अभिभावकों के लिए कि वो अपने बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को, इस तरह की स्किल्स को डेवलप करें। क्या आप ऐसा करें कि आपके बच्चे के अंदर उसकी पर्सनालिटी का भी ये एक हिस्सा बने, तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने बच्चों को प्लानिंग करना सिखा, उसके होमवर्क से रिलेटेड कोई बात है या स्कूल से रिलेटेड है या फिर कोई भी वो एक्टिविटी कर रहा है, लेट हिम थिंक अबाउट दैट फर्स्ट, लेट हिम प्लान फॉर दैट। उसको बोलो कि ठीक है तुम प्लानिंग करो, उसके बाद में बताती हूं। ये बेहद जरूरी है उसकी इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज, उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना खुद से आए। अक्सर बच्चे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके पेरेंट्स के पास आते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप डाल दीजिए बच्चों के ऊपर, ठीक है तुम फाइंड आउट करो सॉल्यूशन, बाद में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये करना बेहद जरूरी है बच्चों को ना, ऐसे प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपने अक्सर क्लास में देखा होगा, बच्चे आपके बताते होंगे, जो मॉनिटर होता है क्लास में उसको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि क्लास में अगर 30-40 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, और वो कर भी लेता है, हैंडल कर लेता है पूरी क्लास को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का ऐसे ही सॉल्यूशन निकाल देता है। तो ये बेहद जरूरी है कि आप घर में रहकर बच्चों को प्लानिंग करना सिखाएं, बच्चों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना सिखाएं, कैसे हम खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज है, आपके बच्चों को बहुत अच्छे से बात करना सिखाइए, उसका जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा इफेक्टिव बनाइए, यानी कि जब वो बात करे, किसी से बात कर रहा है तो कोशिश ये हो कि वो आई कांटेक्ट रखे, फेस टू फेस बात करे। अक्सर ये होता है कि बच्चे, जब हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे साइड में देखते हैं, इधर उधर रूफ को देखने लगते हैं, फ्लोर को देखने लगते हैं, तो आप उसको बताएं कि अगर कोई बात कर रहा है तो आप सामने से देख के बात करें, ये बहुत जरूरी है, मतलब कॉन्फिडेंस से बात करें। तो इस तरह से क्या होगा ना कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता चला जाता है, और इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस में घर से ही लेकर आइए। एक चीज हमेशा बच्चों को सिखाइए, नेवर गिव अप इन लाइफ। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है ना, ठीक है बच्चे के बाद ना बहुत परेशान हो जाते हैं, उनसे नहीं हो पाता है, सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, तो आप उसको समझाइए नेवर गिव अप, इसका सोल्यूशन होगा एंड यू कैन डू इट। मतलब आप अपने बच्चों को बूस्ट कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं
जो आप घर में शुरू से अपने बच्चे के साथ अप्लाई कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि उसके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज ग्रो अप हो। पहला उसको प्लानिंग करना सिखाइए, उसको घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना सिखाइए, उसको इफेक्टिव तरीके से बात करना सिखाइए और उसको हमेशा सिखाइए कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो इसलिए कि आप अपने बच्चों को कैसे नेतृत्व की जो स्किल्स है उसमें आप डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं एंड बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपने मुझे सुना, टाइम निकाला। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक बनी रहिए मेरे साथ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय बाय।